हाय गाइस, मेरा नाम है दिलीप और मैं अपने आपको फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में हमारे इसके बारे में बात करते हैं। तो ट्रेलर की शुरुआत होती है टॉम हॉलैंड के स्पॉइलर वार्निंग के साथ। The Spider-Man Far From Home trailer is about to play, but if you haven't seen Avengers Endgame yet, stop watching because there's some serious spoilers about to come up. But if you have seen Avengers Endgame, enjoy the trailer. तो जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, हमारा स्पाइडी अपसेट है और हैप्पी एंड स्पाइडी दोनों बैठकर बात कर रहे हैं आयरन मैन के बारे में। सो क्लियरली आप एंड गेम का इम्पैक्ट यहाँ पर देख सकते हैं। फिर हमें एक बेस्ट एक्शन सीन देखने मिलता है स्पाइडरमैन का आयरन स्पाइडर सूट में, जहाँ वो न्यूयॉर्क के कुछ होटल में गुंडों की पिटाई कर रहा है और उसके बाद वहाँ पर न्यूयॉर्क पुलिस पहुँचती है और हमारे स्पाइडी को बोलती हो, क्या तुम नेक्स्ट आयरन मैन बनने वाले हो? तो हमारा स्पाइडी एक अच्छा सा ताना मारते हुए बोलता है कि नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है क्योंकि मैं तुम्हारी जॉब करने में बिजी हूँ। पर वो जाते वक्त बोलता है कि मैं मजाक कर रहा था, अपना काम अच्छी तरह से करते रहना बिकॉज मैं जा रहा हूँ वैकेशन पे। और ये वैकेशन यूरोप की अलग अलग जगह की ट्रिप है, जैसे लंदन प्लाग, वेनिस माउंटेन्स और बर्लिन। अब आगे हमारा स्पाइडी स्विंग करते हुए दिख रहा है, बट उसके पीछे जो कंस्ट्रक्शन चालू है वहाँ पहले स्टार्क टावर था। अब इस जगह को देख कर लग रहा है या तो बैक्स्टर बिल्डिंग बन रही है या तो फिर ऑस्कॉर्प, बट फैंटास्टिक फोर का कॉन्सेप्ट अभी थोड़ा दूर है। तो मुझे ये लगता है कि यहाँ पर जो है मोस्टली ऑस्कॉर्प बन रहा है, क्योंकि ये मूवी स्पाइडरमैन की है और ऑस्कॉर्प स्पाइडरमैन से कुछ ज़्यादा रिलेट करता है। उसके बाद हमें एक छोटा सा डिस्कशन मिलता है स्पाइडी और हैप्पी का, और यहाँ पर आप हैप्पी के पीछे देख सकते हैं कि क्रशर होगन की एक पिक है। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूँ, क्रशर होगन स्पाइडरमैन कॉमिक का एक रेसलर होता है जिसपे पीटर पार्कर अपनी पावर टेस्ट करता है पहली बार। मोस्ट प्रोबेबली शायद ये सीन हमें इस बार इस मूवी में देखने ना मिले बिकॉज पीटर पार्कर अपनी पावर यूज करना अब अच्छी तरह से जान चुका है, और तो और उड़ते मेदुवड़े में जाकर वो थैनोस से भी भिड़ चुका है। और यहाँ हमें एक छोटा सा लुक मिलता है पीटर का अपनी ट्रिप पे जाते हुए। फिर पड़ता है नेट भाई को बेहोश करने वाला डार्ट हमारे निक फ्यूरी की तरफ से, और निक फ्यूरी बोलते हैं मैं कॉन्टेक्ट करना बहुत ही मुश्किल है स्पाइडरमैन। फिर निक ले जाते हैं पीटर को मिस्टीरियो से मिलवाने, और निक बोलता है ये भी हमारे जैसे ही एक अर्थ से आया है, फिंगर स्नैप के बाद एक पोर्टल से ये हमारे अर्थ पे पहुंच गया। हमारा स्पाइडी बोलता है मतलब मल्टीवर्स? जिन्हें नहीं पता मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट काफ़ी बड़ा है, बस इतना सा समझ लीजिएगा मल्टीवर्स में एक से ज़्यादा अर्थ एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि हमें पिछले साल आई मूवी स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स में देखने मिला था। और ये कॉन्सेप्ट जो है एमसीयू को अलग ही लेवल पर ले जाता है। तो अब आगे बढ़ते हैं ट्रेलर की ओर। निक बोलते हैं कि तुम्हें हमारे साथ आना होगा। स्पाइडी और भी सुपर हीरोज़ के नाम लेता है जैसे थॉर और कैप्टन मार्वल, पर निक बोलता है कि वो सब अनअवेलेबल हैं इस काम के लिए। मोस्ट प्रोबेबली निक ने स्पाइडी को इसलिए चुना है क्योंकि मिस्टीरियो पे निक को पूरी तरह से ट्रस्ट नहीं है, और स्पाइडी उस पर नज़र भी रखेगा और साथ ही साथ एलिमेंटल से फाइट करने में हेल्प भी करेगा। और फिर हमें क्लोज लुक मिलता है चारों एलिमेंटल्स का और स्पाइडी के स्टेल्थ स्पाइडरमैन सूट का, जो कि मोस्ट प्रोबेबली निक ने उसे दिया होगा। और मिस्टीरियो अपने पावर यूज कर रहा है और एलिमेंटल से फाइट करते हुए दिख रहा है। और फिर हमें एक सीन दिखता है जहां मिस्टीरियो और स्पाइडी बैठ के बात कर रहे हैं। वहां मिस्टीरियो पूछता है कि तुम क्या चाहते हो? तो अपना स्पाइडी बोलता है मैं अपने दिल की बात बताना चाहता हूँ उस लड़की को जिससे मैं प्यार करता हूँ। जो कमी स्पाइडरमैन होमकमिंग में रह गई थी वो कमी अब पूरी हो जाएगी। ये मूवी फनी एक्शन के साथ साथ हमें एक छोटी सी लव स्टोरी भी दिखाने जा रही है पीटर और एमजे की। फिर हमें एक लुक मिलता है जिसमें पीटर हैरान हो जाता है और अपना चश्मा उतार के कहीं देख रहा है। मोस्ट प्रोबेबली ये वो सीन है जहां हमारे स्पाइडी को मिस्टीरियो के इल्यूजन्स का पता चल जाता है। और ये चश्मा टोनी स्टार्क का है, तो कोई सिंपल चश्मा तो होगा नहीं। ये चश्मे की स्पेशलिटी आपको बता दूं, जैसे कि ये किसी भी चीज़ को देख के उसकी छोटी से छोटी डिटेल और इन्फॉर्मेशन बता सकता है। और निक के इस डायलॉग के बाद अपना मुरारी आई मीन स्पाइडरमैन चला हीरो बनने। The world needs the next Iron Man. Are you going to step up or not? फिर हमें देखने मिलता है एक एक्शन सीन स्पाइडरमैन का, और फिर हर मार्वल मूवी की तरह ये ट्रेलर भी खत्म होता है एक फनी सीन के साथ।